तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर टू और हेडिंग है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। सो लेट्स बिगिन। प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स। प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मतलब अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। द प्लांट हैज इट्स पार्ट अबव द सॉयल एंड इनसाइड द सॉयल ऑल्सो। प्लांट्स के पार्ट्स यानी कि पौधों के भाग मिट्टी के ऊपर और इनसाइड द सॉइल और मिट्टी के अंदर भी होते हैं। दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स के बेसिक पार्ट्स हैं। द पार्ट्स ऑफ प्लांट अबव द सॉइल आर कॉल्ड रूट सिस्टम। मिट्टी के ऊपर का प्लांट्स का पार्ट्स रूट सिस्टम कहलाता है। एंड द पार्ट्स ऑफ प्लांट बिलो द सॉइल आर कॉल्ड रूट सिस्टम। और मिट्टी के नीचे के प्लांट्स के पार्ट्स को रूट सिस्टम कहा जाता है। द शूट हैज स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। शूट में स्टेम यानी कि तना, ब्रांचेस अर्थात शाखाएं, लीव्स पत्तियां, बर्ड्स कलियां, फ्लावर्स फूल और फ्रूट्स अर्थात फल होते हैं। रूट इज द पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम वेयर द प्लांट ऑरिजिनेट्स। रूट प्लांट का वह पार्ट होता है यानी पौधे का वह अंग होता है, वह भाग होता है जहाँ से पौधे निकलते हैं। ईच पार्ट कैरीज आउट सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। हर भाग, प्रत्येक भाग कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन को कैरी करते हैं, अर्थात कुछ महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देते हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। सीड्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। सीड्स प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। द प्लांट हैज़ मेनी अदर पार्ट्स ऑल्सो। प्लांट्स के अनेक अन्य पार्ट्स भी होते हैं, मतलब अनेक अन्य भाग भी होते हैं। नाउ सीडलिंग। व्हेन अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड इट इज़ कॉल्ड अ सीडलिंग। जब बीज से, फ्रॉम अ सीड, बीज से एक नए पौधे निकलते हों तो इसे सीडलिंग कहा जाता है, यानी नवजात पौधा कहा जाता है, यानी छोटा पौधा कहा जाता है। अ सीडलिंग हैज रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। एक नवजात पौधे में रूट्स, स्टेम और पत्ते होते हैं, अर्थात जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं। इन दिस पिक्चर अ बीन सीडलिंग इज सॉन। इस तस्वीर में मूंग के छोटे पौधे को दिखाया गया है। एज द सीडलिंग ग्रोज, जैसे जैसे सीडलिंग ग्रो करता है इट डेवलप्स बीगर रूट्स। इसके बड़े रूट्स होते जाते हैं एंड स्टेम एंड मेनी लीव्स, मतलब इसके मतलब जैसे जैसे छोटे पौधे बड़े होते हैं वैसे उसके रूट्स, स्टेम और अनेक लिप्स बड़े होते जाते हैं। द सीडलिंग ऑफ मैंगो ट्री ग्रोज इंटू अ बिग ट्री। आम का छोटा पौधा, आम के पेड़ का छोटा पौधा बड़ा होकर एक बड़ा वृक्ष बनता है। द सीडलिंग ऑफ पी ग्रोज इंटू ए स्मॉल प्लांट। मटर का छोटा पौधा बड़ा होकर एक छोटा पौधा बनता है, एक छोटे पौधे के रूप में विकसित होता है। नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड देयर फंक्शंस। प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस और उसके कार्य। नॉट फर्स्ट द रूट एंड इट्स फंक्शंस।
द रूट प्लांट ऑलवेज ग्रो बिलो द ग्राउंड, प्लांट के रूट हमेशा जमीन के नीचे बढ़ते हैं. इट इज ऑफ वाइट इन कलर, यह वाइट कलर का होता है. सम प्लांट्स हैव वन बिग रूट विद स्मॉल रूट्स कमिंग ऑल अराउंड इट, कुछ पौधों में एक बड़े जड़ होते हैं विद स्मॉल रूट्स कमिंग ऑल अराउंड इट, यानी उसके चारों तरफ या अपने चारों तरफ निकलने वाले छोटे छोटे जड़ों के साथ या छोटे छोटे जड़ों वाले एक बड़े जड़ होते हैं. सच रूट्स गो डीप इन टू द सॉइल, ऐसे रूट्स मिट्टी में गहराई तक जाते हैं. इन अदर प्लांट्स, अन्य पौधों में ऑल रूट्स हैव द सेम थिकनेस, सभी जड़ों की एक समान मोटाई होती है. दे डू नॉट गो डीप, वे गहराई तक नहीं जाते हैं. दे स्प्रीड आउट इन द सॉइल, वे मिट्टी में फैल जाते हैं. नाउ काइंड्स ऑफ रूट्स, फर्स्ट है फाइबरस रूट. इन इट अ क्लस्टर ऑफ रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, इसमें रूट्स का क्लस्टर यानी जड़ों का समूह, जड़ों का झुंड स्टेम के छोर से निकलता है, स्टेम के एक सिरे से निकलता है. वीट, राइस, सुगर केन, मेज एंड बनाना आर एग्जांपल्स ऑफ फाइबरस रूट्स, ये सभी फाइबरस रूट्स के एग्जांपल हैं. क्या क्या? तो गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का और केला फाइबरस रूट्स के एग्जांपल्स हैं. नाउ टैप रूट, इन इट द मेन रूट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम एंड मेनी स्मॉल रूट्स कम आउट फ्रॉम इट, इसमें स्टेम के छोर से मेन रूट निकलते हैं. एंड मेनी स्मॉल रूट्स कम आउट फ्रॉम इट, और इससे अनेक छोटे छोटे जड़ें या छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं. नाउ यूजेस ऑफ रूट, मतलब रूट्स के क्या उपयोग होते हैं, जड़ के क्या उपयोग होते हैं. इट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड, यह पौधे को जमीन में कसकर पकड़े रखता है. इट प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द स्टेम, यह सॉइल से वाटर और मिनरल्स स्टेम को प्रोवाइड करता है, अर्थात तने को प्रदान करता है. रूट्स लाइक कैरोट स्टोर फूड विद इन देमसेल्व्स, कैरोट यानी गाजर जैसी जड़ें अपने अंदर भोजन को स्टोर करती है, मतलब जमा करती है. नाउ द स्टेम एंड इट्स फंक्शंस, स्टेम और उसके कार्य, अर्थात तना और उसके कार्य. द स्टेम प्लांट इज अबव द सॉइल, पौधे का तना मिट्टी के ऊपर होता है. इन हब्स इट इज ग्रीन एंड सॉफ्ट, साक में यह हरा और मुलायम होता है. इन ट्रीज यानी पेड़ों में इट इज हार्ड एंड वुडी, यह कठोर और लकड़ी जैसे होते हैं. द क्रीपर्स हैव वीक स्टेम्स, क्रीपर्स यानी जमीन पर फैलने वाले पौधे के तने कमजोर होते हैं. नाउ यूजेस ऑफ स्टेम, तने क्या, तने के उपयोग. द स्टेम कीप्स द प्लांट इरेक्ट, तना पौधे को बिल्कुल सीधा खड़ा रखता है. इट कैरीज वाटर मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यह रूट्स से वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स के अन्य अंगों तक, अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है, अर्थात ले जाता है. इट बियर्स
लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स, इसमें पत्तियाँ फूल फल और बीज दिखते हैं। इट ऑल्सो कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यह पत्तियों के द्वारा तैयार भोजन को प्लांट के अन्य हिस्सों तक भी ले जाता है अर्थात पहुँचाता है। और अब है द लीव्स एंड इट्स फंक्शन, पत्तियों और उसके कार्य। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स, अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ होती हैं। नाउ क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस, मोस्ट लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, अधिकांश पत्तियाँ हरे रंग की होती है या हरे होते हैं बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, किसके कारण, तो क्लोरोफिल के कारण, जिसे हिंदी में पर्ण हरित कहते हैं। इट हेल्प्स द प्लांट इन मेकिंग फूड, यह पौधे की भोजन बनाने में मदद करता है। देयरफोर ओनली ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सॉयल एयर एंड वाटर विद हेल्प ऑफ सनलाइट, इसलिए केवल हरे पौधे ही मिट्टी वायु और जल से विद द हेल्प ऑफ सनलाइट सूर्य प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है अर्थात इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ की, यानी पत्तों के या पत्ते के भाग। तो पहला इसमें है लीफ ब्लेड, इट इज़ द फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ, यह पत्ते का सपाट चौड़े अंग होते हैं। नाउ सेकेंड है मेन वेन, इट इज़ इन द मिडिल ऑफ द लीफ, यह लीफ के मिडिल में होता है। नेक्स्ट है साइड वेंस, दिस अराइज फ्रॉम द मेन वेंस, ये मेन वेंस से निकलते हैं। वेंस ब्रिंग वाटर टू द लीफ, वेन वाटर को लीफ तक ले जाता है। नाउ स्टोमाटा, दिस आर टाइनी पोर्स अंडर द सर्फेस और लीफ विच थ्रोज आउट एक्स्ट्रा वाटर, ये पत्ते की सतह के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, विच थ्रोज आउट एक्स्ट्रा वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालते हैं। नाउ स्टॉक, इट ज्वाइंस द लीफ, यानी जिसे डंठल कहते हैं हम लोग, इट ज्वाइंस द लीफ टू द ब्रांच और स्टेम, यह लीफ को ब्रांच या स्टेम से जोड़ता है अर्थात शाखा या तने से जोड़ता है। नाउ यूजेज ऑफ लीफ, पत्ते का उपयोग, अ ग्रीन लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट, एक हरा पत्ता पौधों के लिए भोजन बनाता है। इट इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, इसे पौधे का किचन कहा जाता है, मतलब रसोई घर कहा जाता है। द लीफ मेक्स फूड फ्रॉम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनशाइन, पत्ते वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और सनशाइन, यानी कि जल कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश से भोजन बनाता है। दिस फूड हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो, यह भोजन पौधे को बढ़ने में मदद करता है। सम प्लांट्स स्टोर फूड इन द लीव्स सच एज मिंट एंड कैबेज, कुछ प्लांट पत्तियों में जैसे पुदीना और पत्ता गोभी में भोजन को स्टोर करता है अर्थात जमा करता है। वी ईट दिस लीव्स, हम लोग ऐसे पत्तों को खाते हैं।
लिप्स हेल्प द प्लांट टू ब्रीद थ्रू स्टोमाटा. पत्तियों स्टोमाटा की मदद से, यानी हिंदी में जिसे बोलते हैं रंध्र छिद्र की मदद से, पौधे को सांस लेने में मदद करती है. और अब आता है फ्लावर्स एंड इट्स फंक्शंस, फूल और उसके कार्य. फ्लावर्स आर ऑफ मेनी शेप्स, साइजेस, कलर्स एंड फ्रेग्रेंसेस. फ्लावर्स अनेक शेप, साइज, कलर और फ्रेग्रेंस के होते हैं. फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू. शेप मीन्स आकृति, साइज मीन्स आकार, कलर मीन्स रंग एंड फ्रेग्रेंस और खुशबू. मतलब फूल अनेक आकृति, आकार, रंग और खुशबू वाले होते हैं. दे अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड बर्ड्स, वे इंसेक्ट और बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं. मतलब कीट पतंगों और पक्षियों को आकर्षित करते हैं. इंसेक्ट एंड बर्ड्स स्कैटर द सीड्स ऑफ फ्लावर्स. कीट पतंग और पक्षियों फूलों के बीज को बिखेरते हैं. फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स. फूल से फल बनते हैं. दे हेल्प द प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस, वे प्लांट्स की रिप्रोड्यूस करने में मदद करती है, यानी पौधे को प्रजनन करने में मदद करती है, अर्थात अपने समान नए पौधे को जन्म देने में मदद करती है. नाउ फ्रूट्स एंड सीड्स एंड देयर फंक्शंस, फल और बीज और इसके कार्य. फ्रूट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस, कलर्स, स्मेल एंड टेस्ट. फल अलग अलग आकृति, आकार, रंग, गंध और स्वाद के होते हैं. फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, फ्रूट्स के अंदर बीज होते हैं, सीड्स होते हैं. सम फ्रूट्स हैव वन और टू सीड्स व्हाइल अदर्स हैव मेनी सीड्स. कुछ फलों में एक या दो बीज होते हैं जबकि अन्य में अनेक बीज होते हैं. सम फ्रूट्स हैव नो सीड्स, कुछ फलों में कोई बीज नहीं होते हैं. सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट्स, बीज फलों के अंदर सुरक्षित रहते हैं या सुरक्षित होते हैं. नाउ वेज ऑफ सोइंग सीड्स, बीज बोने के तरीके. एट फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सीड्स ऑफ व्हीट, ग्राम, बीन्स एंड पीस आर डायरेक्टली स्कैटर्ड इन द फील्ड. व्हीट यानी गेहूँ, चना, मूंग और मटर के बीजों को सीधे खेतों में बिखेर दिया जाता है. नाउ सेकेंड मेथड है इनडायरेक्ट मेथड. सीड्स ऑफ राइस आर फर्स्ट ग्रोन इन स्मॉल सीड बेड्स. चावल के बीज को पहले छोटे बीज के क्यारियों में उगाया जाता है. व्हेन द सीडलिंग्स आर अ फ्यू इंचेस हाई, जब छोटे पौधे कुछ इंच बड़े होते हैं. दे आर सोन इन द फील्ड्स फुल ऑफ वाटर, तब उन्हें पानी से भरे हुए खेतों में बोया जाता है. तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है.